17 जुलाई को फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के आरोप में 3 वांछित अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 देसी पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद, SPCT ने किया खुलासा। गुरुवार को दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में कुलपति व शिक्षकों से मारपीट करने तथा विश्वविद्यालय की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 8 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पूर्व भारत मिशन के तहत जनपद के प्रधानाध्यापकों की कार्यशाला का किया गया आयोजन। 2024 मार्च तक सभी विद्यालय को बच्चों को निपुण बनाने का दिया गया निर्देश। प्रदेश सरकार के सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने प्राणी उद्यान में किया पौधरोपण, कहा सभी को अपने जीवन में लगाना चाहिए 2 पौधा, तभी होगा पर्यावरण संतुलित। प्रदेश सरकार के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी सुरेश खन्ना ने प्राणी उद्यान केंद्र में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, कहा पौधरोपण करना वर्तमान समय की है मांग, प्रदेश का 30 करोड़ पौधरोपण का है लक्ष्य, सभी को पौधरोपण के लिए आना होगा आगे। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री गोरखपुर के प्रभारी सुरेश खन्ना ने विपक्ष के एकजुट होने पर कहा कि सभी कुर्सी के लिए है एकजुट, PM मोदी ने दुनिया में भारत का बढ़ाया है नाम, देश तीसरी बार मोदी को PM के रूप में चाहता है देखना। अब आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस, 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन ले, जगरवि इंटरप्राइजेज, 64 अखिल भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारे। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। कोतवाली थाने की पुलिस ने फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SPCD कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान साहिल कन्नौजिया और भोले पुत्र सतीश चंद निवासी मधोपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा आनंद साहनी पुत्र अशोक साहनी निवासी माधोपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा सृजन दिव्यांश पुत्र आशुतोष निवासी नरसिंहपुर निकट विकास PCO थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इनके पास से 1 देसी अवैध पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। SPCT ने बताया कि 17 जुलाई को 6 व्यक्ति नाम पता अज्ञात 2 मोटरसाइकिल पर बैठकर दुर्गाबाड़ी की तरफ से आए एवं ऑटो में बैठे वादनी के लड़के प्रेम कुशवाहा से बहस करते हुए हाथापाई करने लगे, तभी उन्हीं में से एक लड़के द्वारा पिस्टल से प्रिंस के ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग की गोली प्रिंस को न लगकर वहीं पर मौजूद स्थानीय मोहल्ले के व्यक्ति सुरेंद्र यादव पुत्र भुनेश यादव को लग गई, जिससे सुरेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल गोरखपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। उक्त घटना के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी अंजू चतुर्वेदी, उप निरीक्षक पप्पू कुमार, छोटेलाल आलोक कुमार, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल चौथी राजभर मुरारी यादव, अजय चौहान, मुकेश कुमार बिंद शामिल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में 17 जुलाई की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर गई, मौके पर जानकारी मिली कि एक प्रिंस नाम के लड़के जो कि एक ऑटो में बैठ के मोबाइल चला रहा था, उसी समय एक बुलेट और स्कूटी पर सवार कुल 6 लोगों द्वारा पहले प्रिंस के साथ में मारपीट की गई और उसके बाद में उस पर फायर किया गया और वो फायर प्रिंस को ना लग के एक राह चलते व्यक्ति को लगा
और उसके बाद में उसको अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी हालत स्थिर है। इसके बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह पता की और पूछताछ से पता चला कि एक साहिल कनौजिया और सृजन दिव्यांश नाम के दो लोग हैं, एक बुलेट पर और एक स्कूटी पर आए थे और इनका पुरानी रंजिश आज से करीबन 2-3 साल पहले प्रिंस की बहन की छेड़खानी से संबंधित थी, जिसमें प्रिंस भी स्वयं जेल गया था। उसके बाहर आने के बाद में वापस बदला लेने की भावना से ये फायर किया गया था और घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है हालांकि तो वो बरामद कर लिया गया है। पिस्टल के साथ में घटना में प्रयुक्त जो स्कूटी है वो भी बरामद कर ली गई है। उसके साथ साथ तीन अभियुक्त साहिल कनौजिया, आनंद सानी और सृजन दिव्यांश, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीन अभी वांछित हैं और एक बुलेट है वो भी अभी तक पकड़ी जानी शेष है। जल्द ही इन लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और बुलेट की भी रिकवरी है की जाएगी। इनमें से जो साहिल कनौजिया है उस पर अभी वर्तमान में मिला के 2 मुकदमे, अभी 3/25 आर्म्स एक्ट का और फायरिंग का लिखा गया, उससे पूर्व में उसके ऊपर 3 मुकदमे हैं। आनंद सानी के ऊपर भी पूर्व के मुकदमे हैं। इन लोगों का क्रिमिनल इतिहास रहा है मारपीट का, पूर्व के कई मुकदमे इन पर दर्ज। पिस्टल ये अपने मोहल्ले की किसी एक व्यक्ति से लेना बताए हैं, जिस व्यक्ति की वर्तमान में डेथ हो चुकी है, लेकिन ये देखने से पता चल रहा है कि ये एक कंट्री मेड पिस्टल है और संभवतः इसको कहीं ना कहीं इस प्रदेश से बाहर कहीं से प्रकट किया गया। पुलिस ने विश्वविद्यालय में कुलपति व शिक्षकों से मारपीट करने सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव गुरवर ने बताया कि विश्वविद्यालय में हुई मारपीट के मामले में तहरीर के आधार पर 22 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान शक्ति सिंह पुत्र नरसिंह बहादुर सिंह निवासी पिपरा बांध थाना मई जनपद देवरिया, दूसरा प्रिंस तिवारी पुत्र जितेंद्र तिवारी निवासी नारायणपुर पोस्ट पटेहरवा थाना पटेहरवा जनपद कुशीनगर, तीसरा शुभम गोविंद राव पुत्र अजय गोविंद राव निवासी बरवा बाजार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, हाल पता यशोधरा कुंज थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, चौथा शिवम पांडे पुत्र यशवंत पांडे निवासी ग्राम बुधवार थाना बनकटा देवरिया हाल पता जंगल सिकरी कोराबाद थाना कोराबाद जनपद गोरखपुर, पांचवा आलोक गुप्ता पुत्र प्रदीप कुमार गुप्ता निवासी 127/133 आर्य नगर दिलेदारपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर, छठवां ऋषभ सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी बरडीहा परशुराम थाना लाल जनपद तिवरिया, सातवां मयंक राय पुत्र मित्रेंद्र राय निवासी पार्वती नगर झारखंडी मंदिर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, आठवां श्रवण कुमार मिश्र पुत्र भरत राव मिश्र निवासी ग्राम बिसरा पार पोस्ट देवरिया गंगा थाना खैराबाद कोतवाली जनपद संतकबीर नगर के रूप में हुई है। SSP ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के नियंत्रक कार्यालय के डॉक्टर सत्यपाल सिंह पुत्र गजेंद्र पाल सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में छात्राओं के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय कुल सचिव अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी गणों के साथ मारपीट व तोड़फोड़ के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें से 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक रमेश कुशवाहा, विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी अमित चौधरी, कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह शामिल रहे। अब आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाना चाहते हो तो अब चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवि इंटरप्राइजेज 64 अखिलेश भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। जनपद में NXC भवन के सभागार में निपुण भारत मिशन के तहत प्रधानाध्यापकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके संबंध में जिला समन्वयक समग्र शिक्षा विवेक जायसवाल ने बताया कि निपुण भारत
मिशन के तहत जनपद के 100 विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण को देकर दक्ष बनाया जाए, जिससे ये अपने अपने विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाई में निपुण बना सके और मार्च 2024 तक विद्यालय निपुण विद्यालय बन सके। उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं, इन्हें पद दिशा देने की जरूरत है, जिनको दिशा देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा, जनपद में 2 विद्यालय सरदार नगर विकास खंड के आनंद व तिरकुनिया नंबर 1 के अध्यापिका गीता ने अपने विद्यालय को निपुण बना दिया है। अगले में कितने महीने हुए? 5 महीने। 5 से भाग दीजिए, 5 से 40, यानी कि पर मंथ 8 हमको निपुण बनाना। लेकिन क्रिकेट में आपने देखा होगा कि रन रेट क्या निर्धारित होता है, 9 रन, 10 रन, जो भी रन निर्धारित होते हैं, तो क्या 9 रन ही बनते हैं? कभी 4 रन भी बनता है, कभी 15 रन भी बनता है, कभी 24 रन भी बनते हैं। लेकिन हमको लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। अब जब हम इस लक्ष्य को निर्धारित करेंगे कि रन रेट आधारित हमारी जो प्रगति होगी और इसके आधार पर हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे और समय से पहले प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हमको पर डे इस पर गहराई से काम करने की जरूरत है। अंत में मैं आप लोगों से कहूंगा कि पानी का बुलबुला नहीं तू झरना बन, पानी का बुलबुला नहीं तू झरना बन, स्वीकार कर हर चुनौती को, तू आगे बढ़, ना देख मुंह किसी का, खुद पर यकीन कर, भटक मत जिंदगी में, नजर मंजिल पर रख। धन्यवाद। आपको इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समन्वयक समग्र शिक्षा विवेक जायसवाल ने कहा, 100 के स्कूल थे उनके प्रधानाध्यापकों को आज यहाँ एक कार्यशाला में बुलाया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि ये सभी हमारे शिक्षक, एक इनको रोड मैप दिया जाए, एक इनको रास्ता दिया जाए, रास्ता दिखाया जाए कि ये मार्च 24 तक अपने विद्यालयों को निपुण विद्यालय बना सके। इनमें से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें बस दिशा देने की ज़रूरत है और आज ये दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमारे इस कार्यशाला में 2 ऐसे शिक्षक भी आए हुए हैं जिन्होंने अपने विद्यालयों को निपुण घोषित किया है, सरदार नगर विकासखंड से आमकोल से आनंद जी और प्राथमिक विद्यालय तिनकुनिया नंबर 1 से चरगावा की गीता देवी जी। आज ये दोनों लोग अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे और बताएंगे कि कैसे इन्होंने अपने विद्यालयों को निपुण बनाया है। मैं विवेक जायसवाल, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा गोरखपुर। प्रदेश सरकार के सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान परिसर में प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उत्कर्ष ग्लोबल फाउंडेशन एवं रेडिको फाउंडेशन द्वारा निर्मित पर्यावरण अनुकूल थैले भी उन्होंने छात्रों को प्रदान किया। इस अवसर पर छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सभी विभागों को वृक्षारोपण के लक्ष्य दिए गए हैं और प्रत्येक जनपद में प्रभारी मंत्री भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। उद्यान परिसर में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबका यह दायित्व है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और उनका संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि यह प्राणी उद्यान स्वतंत्रता के नायक क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खां के नाम पर है, जिन्होंने 27 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। हम भी वृक्षारोपण एवं उनका पोषण संरक्षण जैसे कार्यों के द्वारा अपना योगदान देश के लिए दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन के अनुभव हमें यह बताते हैं कि गर्मी बढ़ी है और इसका प्रमुख कारण है पर्यावरण असंतुलन। पेड़ों के कटने के कारण ये पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है। इस असंतुलन को अधिक से अधिक वृक्षारोपण ही संतुलित कर सकता है। प्रदेश सरकार भी 33% वनीकरण प्राप्ति के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 136 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के साथ साथ उनको जीवित रखना भी अनिवार्य है, नहीं तो वृक्षारोपण का कोई महत्व नहीं है। इसलिए प्रदेश सरकार ने हर विभाग को वृक्षारोपण के जो लक्ष्य दिए हैं उनके समय समय पर मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ा है, किंतु डीजल और पेट्रोल अब भी ऊर्जा के मुख्य साधन है, जिसको कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वृक्ष इन साधनों से उत्पन्न कार्बन को सिंक करने के मुख्य स्रोत हैं।
उपस्थित छात्रों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र अपने माता पिता के नाम पर दो पौधा लगाएं और उनका संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक भी वृक्षारोपण एवं संरक्षण के प्रमुख रूप से सहयोग करें। जनपद में वृक्षारोपण एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को पर्यावरण एम्बेसडर के रूप में नामित करके प्रोत्साहित करें, जिससे समाज के अन्य व्यक्ति भी प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन इतनी उपजाऊ है कि हमें वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण में कठिनाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने जिस संकल्प के साथ इस अभियान को शुरू किया है, हम सबको उसमें सहयोगी बनना चाहिए। उनके ग्रीन उत्तर प्रदेश, ग्रीन गोरखपुर के संकल्प को साकार करने में अग्रगामी बने। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी बदलते मौसम, पैटर्न और पर्यावरण असंतुलन के बारे में छात्रों को समझाते हुए अधिक से अधिक पौधा लगाने की अपील की। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने भी वृक्षों के महत्व को बताते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण की अपील की। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव गुरुवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री और प्रभारी मंत्री परम आदरणीय आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, जिनका स्नेह मुझे सदैव मिलता रहता है, मैं आपको इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर श्री राजेश गुप्त जी, मुख्य वन संरक्षक CDO साहब, भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी श्रद्धेय कार्यकर्ता बंधु, अधिकारीगण एवं प्यारे बच्चों, आज हमने ये संकल्प शुरू किया है कि हम वृक्ष लगाएंगे। और अभी जब हमारे माननीय मंत्री महोदय बच्चों से मुखातिब थे, तो उन्होंने आप सबसे ये आश्वासन और वादा लिया कि कम से कम दो पेड़ लगाएंगे। जिस पर वृक्षारोपण ना हुआ हो, सरकार को कानून बनाना चाहिए। निजी जमीन का भी अगर कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो जब तक उपयोग नहीं हो रहा है, सारी जमीनों पर वृक्षारोपण किया जाए, ऐसा प्राविधान किया जाना चाहिए। किया जाए तो उसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अकेली एक ऐसी चीज है जो हमारे और आपके सहयोग से हमारे जीवन को सुप्रद बना सकती है। आज ही मैंने अपने घर में एक फोटो पोस्ट की है, मेरे घर में कदम रखिएगा तो आपको चारों ओर वृक्ष वृक्ष और वृक्ष ही मिलेंगे। मेरे बगल में हाईवे है, उस हाईवे से कौन सी गाड़ी जाती है मुझे आज तक उसकी कभी आवाज नहीं सुनाई दी। हमारे गोरखपुर के महापौर आदरणीय श्री मंगलेश जी, राज्यसभा के सदस्य और प्रतिष्ठित डॉक्टर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश सिंह जी, हमारे लखनऊ से पधारे हुए प्रमुख सचिव महोदय, चीफ कंजर्वेटर, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों तथा प्यारे बच्चों, शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान में
कार्यक्रम में मैं समझता हूँ जितने लोग आए हैं उन सबकी एक ही उद्देश्य एक ही मनोभावना है हम किस प्रकार से अधिक वृक्षारोपण में सहयोग कर सकें। बहनों और भाइयों जिस पवित्र आत्मा के नाम पर ये प्राणी उद्यान बना है वो अमर शहीद उसने शाहजहांपुर में पहली सांस ली थी। मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूँ उसका कार्य क्षेत्र शाहजहांपुर ही था और शाहजहांपुर में ही वो पैदा होकर बेसिक एजुकेशन प्राप्त की और कोई बड़े कवि थे शायर थे और उसके बाद पंडित राम प्रसाद मिश्र जी के साथ में उन्होंने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया और काकोरी कांड में एक महानायक की भूमिका के साथ उनको मात्र 27 वर्ष की उम्र में फांसी हुई थी। अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा खजाना उन्होंने उनका था अंग्रेज सरकार के चूल्हे हिलाने के उद्देश्य से। आप कल्पना कर सकते हैं कि मात्र 27 साल की उम्र में किस कदर जिद और जज्बा रहा होगा अपने देश के प्रति। आज उन्हीं के नाम पर ये अमर शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान स्थापित हुआ है। आज के दिन मैं उनको विशेष रूप से नमन करता हूँ। बहनों भाइयों आदरणीय मंगलेश जी ने आदरणीय राधा मोहन जी ने आज के कार्यक्रम के आवश्यकता और उपयोगिता के ऊपर काफी बल दिया है। दो तीन बातें मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि रोजमर्रा के अनुभव हमको ये बताते हैं किस प्रकार से गर्मी बढ़ी है और गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम इन्वायरमेंटल संतुलन कायम नहीं रख पाए। जिस बड़े पैमानों पर पेड़ों का कटान हुआ पूर्व में उससे हमारा संतुलन बिगड़ा है और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक एक मानक है 33% का लगभग 33% वनीकरण जरूर होना चाहिए। उस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो बाथरूम हो हॉल हो ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज नवीनतम डिजाइन सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिलित भवन महेवा बंधार रोड ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिलित भवन महेवा बंदा रोड ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी सुरेश खन्ना ने शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी
सुरेश खन्ना ने बताया कि गोरखपुरवासी सहित प्रदेश वासियों को बधाई देते हैं। पौधारोपण तो बहुत पहले भी हुआ, लेकिन अभियान बनाकर सबको लक्ष्य देकर पौधारोपण करना वर्तमान समय की मांग है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सबसे बड़ा योगदान पौधों का है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रदेश में वन विभाग का लक्ष्य निर्धारित किया व स्वयं सेवी सहायता समूहों का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा जितने भी सरकारी विभाग हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में 22 जुलाई को 30 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर व बिजनौर में से इसकी शुरुआत किए हैं और जितने भी प्रभारी मंत्री हैं वो भी वहां जाकर पौधारोपण को बढ़ावा दें, जिससे लोग पौधारोपण के अभियान को आगे बढ़ाएं, उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह पौधारोपण के अभियान की शुरुआत की है, इससे निश्चित ही ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी, जिसके लिए सभी लोगों को भाग लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, SSP डॉक्टर गौरव गुरवर, DFO विकास यादव, CDO संजय कुमार मीना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी सुरेश खन्ना ने कहा, पौधारोपण किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हम गोरखपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को बधाई देते हैं। पौधारोपण तो बहुत पहले भी हुआ है, पहले भी होता रहा, लेकिन एक अभियान की तरह से कार्यक्रम बनाकर सभी लोगों को लक्ष्य तय देकर पौधारोपण करना मैं समझता हूं कि वर्तमान समय की मांग है और ग्लोबल वार्मिंग के इस एरा में मैं समझता हूं कि ये ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे वृक्षारोपण का है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देते हैं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में वन विभाग का लक्ष्य निर्धारित किया, हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं का लक्ष्य निर्धारित किया और जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी का लक्ष्य निर्धारित करके ये जिम्मेदारी दी गई कि हम आज के समय में वृक्षारोपण को बढ़ावा दें और आज के दिन 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आज मुजफ्फरनगर और बिजनौर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और प्रदेश के जितने भी प्रभारी मंत्री हैं जनपदों के, उन लोगों को भी ये टारगेट दिया गया है कि आप लोग भी जहां जहां के प्रभारी हैं वहां पर जाकर इस वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ भाग लें। आज मुझे भी गोरखपुर के साथ लखनऊ भी दिया गया है, मैं अभी यहाँ पर हूँ आपके बीच में और मैं 2 बजे लखनऊ में पहुंचकर वहां पे भी 3-4 कार्यक्रम हैं, उसमें भी मैं भाग लूंगा। आप समझ सकते हैं कि जिस गंभीरता के साथ, जिस शिद्दत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी सरकार ने इसमें रुचि ली है, ये निश्चित रूप से हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा और ग्लोबल वार्मिंग जैसे सब शब्द को मैं समझता हूँ कि डाइल्यूट करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इस प्रयास की भी सराहना करता हूँ और आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोगों को इसमें भाग लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए और हर तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की समस्या समय समय पर हमारे सामने उत्पन्न होती है उसको भी मिनिमाइज करने में ये हमारा बहुत बड़ा सहयोग करेगा। इसके साथ ही हम सभी लोगों को, खासतौर से गोरखपुर वासियों को, आज हमारे जितने भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं, SDFC के लोग भी आए हैं, कई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लोग आए हैं, वन विभाग के लोग हैं, सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आज के इस मौके पर आप लोगों ने इसमें विशेष रूप से अभियान में सहयोग किया और स्वयं भी इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को समझते हुए इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ में हमारे मेयर साहब भी हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद श्री राधा मोहन जी भी हैं, सभी लोग इसमें पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं, सभी का हम स्वागत। अब आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता
जगरवि एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन महेवा बंधार रोड ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240 एक बार पता और सुन ले जगरवि इंटरप्राइजेज 64 अखिलेश भवन महेवा बंदा रोड ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी सुरेश खन्ना ने विपक्ष के एकजुट होने पर कहा कि विपक्ष पहले भी एकजुट हुआ था, कोई भी नेता मोदी की कमर के बराबर नहीं है। उन्होंने कहा कि जितने भी विरोधाभासी हैं, विचारधारा के हैं, वो कुर्सी प्राप्त करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आज पीएम मोदी ने हिंदुस्तान का नाम इतना बढ़ाया है कि पूरी दुनिया मोदी को नेता के रूप में स्वीकार कर रही है। जितने भी लोग मोदी को हटाना चाहते हैं, वो केवल कुर्सी प्राप्त करने के लिए एक हो रहे हैं। इनके पास कोई भी विचारधारा नहीं है जिससे देश का काया कल्याण हो सके। उन्होंने कहा, रिपोर्ट के अनुसार देश की 38% गरीबी घटी है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जब से मोदी पीएम बने हैं तब से आम आदमी के लिए सोचते हैं, जिससे सभी लोग पीएम मोदी को ही तीसरी बार पीएम बनाना चाहते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी सुरेश खन्ना ने कहा, मोदी जी के कमर के बराबर नहीं है कोई, और आप इसका नतीजा देख लीजिए कि जितने भी विरोधाभासी विचार वाले हैं वो कुर्सी प्राप्त करने के चक्कर में केवल एक हो रहे हैं। आज मोदी जी ने हिंदुस्तान का मान सम्मान इतना बढ़ाया कि पूरी दुनिया आज मोदी जी को नेता के रूप में स्वीकार कर रही है। और जितने लोग ये इस प्रकार की भावना कि मोदी जी को हटाओ या मोदी जी के खिलाफ मोर्चा बनाओ या मोदी जी को पराजित करो, ये केवल कुर्सी पाने के लिए है, और इनके पास कोई ऐसा विचार नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिससे देश का कल्याण हो। आपने अभी यूएनडीपी का रिपोर्ट देखी होगी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने खास तौर से ये साफ साफ कहा है कि 2015-16 से लेकर और 2020-21 तक 38% लोग गरीबी की घटी है, 38% लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि जिस दिन से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने देश की जनता की सोच बदली, एक पब्लिक परसेप्शन बदला है, और पब्लिक परसेप्शन सामान्य स्थितियों में नहीं बदलता। जब तक कोई विशेष बात नहीं होती है तब तक पब्लिक परसेप्शन नहीं बनता। इसलिए आज देश की आम आदमी, आम जनता, और खास तौर से चाहे इंटेलेक्चुअल क्लास से लेकर हो और चाहे बिल्कुल डाउन ट्रॉडन हो, चाहे गरीबतम व्यक्ति हो और चाहे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति हो, सभी लोग चाहते हैं कि मोदी जी ही इस देश को और ज्यादा बेहतर स्थिति में ले जा सकते हैं और ज्यादा दुनिया में सम्मान भारत का बढ़ सकता है। इसलिए आवश्यकता यही है कि फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री